पे कर दी ऑलरेडी, रिकॉर्डिंग पे इसको कर दें ताकि जो है ना आई एम श्योर कर दिया होगा. ओके एनीवेज, तो ये जो आपके स्किल्स हैं ये लॉन्ग टर्म के स्किल्स हैं, ये आपको लॉन्ग रन में ग्रो करेंगे. अभी हम इंस्टेंट स्किल सीख रहे हैं, इससे क्या फायदा होता है, क्विक अर्निंग होती है. अगर आपकी स्किल अच्छी है, आपकी इस पे एक्सपर्टी हो जाती है, तो आप जाके फाइवर पे, बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है फाइवर, वहां पे उसको सेल कर सकते हो, ऑफलाइन किसी का ये काम कर सकते हैं. लेकिन लॉन्ग रन में ग्रो करने के लिए ऑब्वियसली आपको अपनी स्किल को भी ग्रो करना पड़ेगा. ये सब स्किल्स ऑलरेडी ऑफर की जा रही हैं, जो आपको समझ में आता है आप उस पे जो है वो कमांड हासिल कर सकते हैं. जो 6 स्किल्स मैंने आपको सिखानी है ना, वो डिफरेंट कैटेगरीज से है. कोई डिजाइनिंग की इंस्टेंट स्किल होगी, कोई SEO की इंस्टेंट स्किल होगी, एक दो है जो बीच में डेटा एंट्री की है. तो ये 6 स्किल सीखने का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों ने 6 के 6 स्किल्स ही सेल करने होंगे. दैट्स व्हाई मैंने आपकी ट्रेनिंग को ना 2 फेजेस में डिवाइड किया है. पहले फेज में आप स्किल सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, असाइनमेंट सबमिट करवाओगे, जोन से स्किल पे आपकी ज्यादा ग्रिप होगी उसका जब हम फाइबर पे जाके प्रोफाइल्स बनाएंगे, अपवर्क पे साइन अप करेंगे, तब आप गिग्स बना लेना, उन प्रोजेक्ट्स पे बिड करना. तो इस तरह से आपने, ये मैं आपको गाइड करूंगी कि आप किस स्किल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, इनके चैट ऑफ कर दें. आज का हमारा स्किल है प्रोडक्ट मॉकअप. पहले देखते हैं कि प्रोडक्ट मॉकअप की क्या डिमांड है, इसमें ऑलरेडी फ्रीलांसर्स क्या कर रहे हैं, हम ये स्किल कैसे सीख सकते हैं. अच्छा जी, प्रोडक्ट मॉकअप को आप फोटोशॉप मॉकअप भी कहते हैं, प्रोडक्ट मॉकअप को रियलिस्टिक मॉकअप भी कहा जाता है, प्रोडक्ट मॉकअप को 3D मॉकअप भी कहा जाता है. अभी आप लोगों की चैट में नहीं देख रही, कोई भी क्वेश्चन करोगे तो वो आंसर नहीं होगा, इसलिए बेहतर ये है कि खुद को डिट्रैक्ट करने की बजाय जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ उस पर फोकस करें. देन जब मैं आपसे कहूंगी कि अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तब आपकी सारी क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगी. तो प्रोडक्ट मॉकअप में अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पे ये आ रहा है एक फिगर जो कि है 960 का. ये कह रहा है कि 960 सर्विसेज अवेलेबल. दैट मींस कि इस स्किल में फाइवर पे जो टोटल कंपटीशन है वो 960 गिग्स का है. गिग फाइवर की लैंग्वेज में कहते हैं आपकी स्किल को जिसको आप बेचने जा रहे हैं. तो अगर एज अ फ्रीलांसर आप ये स्किल ऑफर करते हैं, तो आपको सिर्फ 960 लोगों के साथ कंपीट करना पड़ेगा. सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि जो स्किल हम सीखने या ऑफर करने जा रहे हैं उसका कंपटीशन क्या है. अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि मार्केट सेचुरेट हो चुकी है, अब आपकी गुंजाइश जो है वो नहीं है. जैसे अगर हम फाइवर पे सर्च करें, लोगो डिजाइन एक बहुत अच्छा स्किल है, इसमें ग्रोथ भी हो सकती है, लेकिन आजकल लोगो डिजाइन की डिमांड जरा सी कम है, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है. आपके सामने जो स्टैट्स आ रहे हैं वो है 1,10,337. अब इतने ज्यादा कंपटीशन में अगर आप एज अ बिगनर लोगो सेल करना चाहोगे तो बहुत इंतजार के बाद आपकी ग्रोथ होगी. इंस्टेंट का मतलब होता है फौरी. तो ये देखो इसमें कंपटीशन इंतहाई कम है, पूरा 1,000 भी नहीं है. अब जी पहले हमने देख लिया, पहला हमारा ये होता है पैरामीटर के कंपटीशन कम हो. दूसरा हमने ये देखना होता है कि उस सर्विस की, उस स्किल की डिमांड भी होनी चाहिए. डेमो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये तरीका भी सिखा दूंगी कि आप खुद से कैसे डिमांड चेक कर सकते हैं. डिमांड चेक करने के लिए आपने क्या करना होता है, फर्स्ट पेज से रैंडमली कोई भी आप 4 से 5 गिग्स ओपन करो. मैं ये कुछ गिग्स ओपन कर रही हूँ. ठीक है, ये हमने 3 गिग्स ओपन किए. ठीक है, पहले गिग पे आपके सामने ये नजर आ रहा है गिग के स्टैट्स होते हैं कि अभी तक किसका क्या रिकॉर्ड है. सबसे पहले ये होता है आपके पास फ्रीलांसर का नाम, देन उसका लेवल कि किस लेवल का सेलर है, फिर कुछ स्टार्स होते हैं जो बताते हैं कि इसकी रेपुटेशन क्या है, देन ब्रैकेट में एक नंबर आ रहा है. ब्रैकेट में जो नंबर आ रहा है 600, इसका मतलब ये है कि अब तक, आज की डेट तक ये गिग 600 दफा बिक चुका है. से 600 टाइम्स इस गिग की सेल हो चुकी है. अब ये जो ब्रैकेट में नंबर होते हैं ना, यहाँ पे बस वो नंबर शो होता है जिस गिग का क्लाइंट फीडबैक दे. जो फीडबैक नहीं देता
वो यहाँ पे काउंट नहीं होता, और 50% कस्टमर्स फीडबैक देते हैं, 50% जस्ट पेमेंट रिलीज करके तो भूल जाते हैं कि हमने फीडबैक भी देना है, जैसे हम लोग करते हैं ऑनलाइन, हर एक एप्लीकेशन को रिव्यू थोड़ी करते हैं, जब ऐप कहता है कि अपना फीडबैक दे तो हम उस टाइम पे फीडबैक नहीं देते, बस एप्लीकेशन डाउनलोड किया और हमारा काम खत्म। तो इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पे 600 शो हो रहा है तो कम से कम 1200 दफा ये गिग सेल हो चुका है। उसके आगे एक आपने नंबर देखोगे, वन ऑर्डर इन क्यू। ऑर्डर इन क्यू का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी फूड चेन पे जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, यूटिलिटी बिल सबमिट करवाने हो, किसी भी आप ऐसे सरकारी दफ्तर में जाओ तो वहां पे लोग कतार में खड़े होते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करके इंतजार कर रहे होते हैं, KFC वगैरह पे या मैकडोनल्ड्स पे, इस तरह के किसी भी आप जहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है ना, वहां पे क्यूज लगी होती है। तो यहाँ पे क्यू का मतलब ये है कि अभी एग्जैक्ट ये जो टाइम है 10:12 पे, 10:12 पे इस गिग को एक क्लाइंट ने परचेज किया, एक इसके पास ऑर्डर है जो डिलीवरी का वेट कर रहा है। इसके पास एक ऑर्डर है, अभी इसके पास भी एक ऑर्डर है, इसके पास 3 ऑर्डर्स है। अगर आपके 10 में से 6 गिग्स पे ऑर्डर इन क्यू हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो सर्विस बहुत ज्यादा इन डिमांड है, उस स्किल पे, उस गिग पे, उस सर्विस पे रश लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है, कम से कम आपने फर्स्ट पेज से 10 गिग्स ओपन करने हैं, 10 में से अगर 6 पे ऑर्डर होगा, ऑर्डर इन क्यू होगा, तो वो सर्विस इन डिमांड होगी, बिक रही होगी। अभी मैंने 3 गिग्स ओपन किए, 3 पे ऑर्डर इन क्यू है, इसका मतलब ये है कि ये एक इन डिमांड सर्विस है। अब देख लेते हैं कि फ्रीलांसर क्या कह रहे हैं, कोई एक और हम गिग ओपन करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आई विल क्रिएट मॉकअप ऑफ योर प्रोडक्ट्स प्रोफेशनली इन 1 आवर। मॉकअप में क्या होता है, मॉकअप में आप क्लाइंट के दिए गए डिजाइन को किसी भी प्रोडक्ट पे प्लेस करके देते हैं। वो प्रोडक्ट कोई बॉटल हो सकती है, कोई डिवाइस हो सकती है, जैसे कोई आपका लैपटॉप हो गया, मॉनिटर हो गया, फोन हो गया, कोई टी शर्ट हो सकती है, कोई पैकेजिंग रैपर, बुक, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके सामने कुछ इसने एग्जाम्पल्स यहाँ पे प्लेस की हुई अपने प्रीवियस काम की। ये एक चिप्स के बैग का मॉकअप है, ये डिजाइन क्लाइंट देता है और आप उसको प्रोडक्ट पे प्लेस करके देते हैं। अगर आप ये मॉकअप एक इंस्टेंट स्किल है, अगर आपने इसी स्किल में ग्रो करना है तो फिर आप पैकेजिंग डिजाइन सीखते हो, आपको लेबल्स डिजाइन करने आने चाहिए, वो इंस्टेंट स्किल नहीं है, उसको सीखने में भी टाइम लगता है और जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तब भी टाइम लगता है, बिकॉज उसमें डिजाइन इन्वॉल्व है, दैट इज वाई वो इंस्टेंट स्किल नहीं है। हम इंस्टेंट सीख रहे हैं, इंस्टेंट में ये होगा कि हमें डिजाइन क्लाइंट देगा, हम उसको प्रोडक्ट पे प्लेस करेंगे। ये एक बिजनेस कार्ड पे उसने प्लेस किया है, ये एक सप्लीमेंट की बॉटल है, उस पर डिजाइन प्लेस किया गया है। इसमें हम करते क्या है, आप क्या करोगे, आप पैकेज मॉकअप की वेबसाइट पे जाओगे, पैकेज विदाउट के, इसके अलावा भी बेशुमार वेबसाइट्स हैं, जो वेबसाइट आपको समझ में आती है, जो इजी लगती है, वहां से टेम्पलेट डाउनलोड कर लो। बिगिनर्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग पैकेज मॉकअप की वेबसाइट से टेम्पलेट डाउनलोड करें, ताकि अगर आपने कभी जिंदगी में फोटोशॉप यूज नहीं भी किया तो भी आप इस स्किल को आसानी से परफॉर्म कर सको। अभी देखो यहाँ पे कुछ हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, बैग, बॉटल, बॉक्स, कंटेनर, पाउच, टिन कैन, ट्यूब, मोर में जाएं तो पैकेट, कवर, रैपर, जार, कप, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब क्लाइंट ने आपको फॉर एग्जांपल एक डिजाइन दिया, एक लोगो दिया कि मुझे इसको एक पेपर बैग पे प्लेस कर दो, तो आप क्या करेंगे, आप बैग्स में जाएंगे, कोई भी आप पेपर बैग का जो मॉकअप है वो यहाँ से देख लो, जो आपको समझ में आता है, जो आपको लगता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, आप उस मॉकअप को डाउनलोड कर लो। लोड मोर पे क्लिक करोगे, मजीद मॉकअप्स आ जाएंगे, बेशुमार टेम्पलेट्स है यहाँ पे। लेट्स से हम इसको डाउनलोड करते हैं, जो आपने टेम्पलेट डाउनलोड करना है मॉकअप का, आप उस पर क्लिक करोगे। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। न्यू टैब में ओपन होने के बाद आपने पेज पे यहाँ वहाँ क्लिक नहीं करना, वरना कोई भी रैंडम पेज ओपन हो जाते हैं या कोई रैंडम जो है चीज़ें डाउनलोड होना शुरू हो जाती हैं। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और ये जो एक ऑरेंज कलर का आपको बटन नजर आ रहा है डाउनलोड का, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे
तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। जब ये डाउनलोड होगा, एक सेकेंड, आई थिंक डिलीट हो गया था, हम दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छी बात है, आप भी प्रोसेस देख लोगे। आपने इस पर क्लिक किया और ये इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। वो कह रहा है 8 सेकेंड्स में जी आपका टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा। ओके जी, इसको डाउनलोड होने देते हैं। अब आप देखो तो वो आपके पास यहाँ पे बॉटम में डाउनलोड हो रहा है। इट विल टेक फ्यू मिनट्स और फिर हम जो है अपने टेम्पलेट को फोटोशॉप में एडिट करेंगे। आसान अल्फाज में प्रोडक्ट मॉकअप जो है ये फोटोशॉप की कॉपी पेस्टिंग है। इसमें कोई फोटोशॉप की रॉकेट साइंस नहीं है। आपने फोटोशॉप यूज किया है कभी जिंदगी में? नहीं किया, पहली दफा देख रहे हो, नहीं इस्तेमाल करना आता, कोई मसला नहीं है। आपने सिर्फ करंट डिजाइन को डिलीट करना है, क्लाइंट के डिजाइन को कॉपी पेस्ट करना है, इतना सा काम है। अभी हम देखते हैं कि इतना सा काम हम कैसे करेंगे। ये मेरे पास कहीं पड़ा होगा, लेट मी सी। नहीं, जिसको डाउनलोड ही करना पड़ेगा। इट विल टेक फ्यू मोर मिनट्स, ये यहाँ पे आ रहा है, 5 मिनट लेफ्ट। अच्छा, जब भी आपने कुछ इंटरनेट से डाउनलोड करना है ना और आपको नहीं मिल रहा कि वो किस क्या उसकी लोकेशन है, कहाँ पे वो जाके सेव हुआ है, तो आपने अपने ब्राउजर पे जाके कंट्रोल प्लस जे प्रेस करना है, जे फॉर जैम। तो ये आपके पास जो है ओपन हो जाएगा एक न्यू टैब। अभी इसको कंप्लीट होने दें, फिर हम देखते हैं। फिर ऐसे आ जाएगा शो इन फोल्डर, तब हम इसके एग्जैक्ट फोल्डर में जाके जो है इसको हम एडिट कर सकते हैं। ओके, लेट मी सी कितना स्लो क्यों डाउनलोड हो रहा है ये। चलिए कोई बात नहीं, इसको डाउनलोड होने दें, हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं। वैसे तो जल्दी हो जाता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि अभी इतना टाइम क्यों लग रहा है। माइट बी इंटरनेट की स्पीड की वजह से। ओके, ऑलमोस्ट डाउनलोड हो रहा है इसकी। जब आप ये आपके पास डाउनलोड हो जाते हैं तो जिप फाइल होती है, जिप फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट करना है। ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट मेरे पास पड़ी हुई है, वो जब ये डाउनलोड होगा तो मैं आपको दिखा दूंगी मैंने कैसे अनजिप की। अनजिप करने के बाद ये एक ऐसे फोल्डर में आ जाती है। इस फोल्डर में आपके पास दो और फोल्डर्स हैं। जो पहला फोल्डर है जिसपे मैक ओएस लिखा है, ये एप्पल यूजर्स के लिए है, जो लोग एप्पल यूज कर रहे हैं या एप्पल की मैकबुक या एप्पल का कोई सॉफ्टवेयर, आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे। विंडोज यूजर जो है ये आपका फोल्डर है, इसको क्लिक करोगे तो इसमें कुछ फाइल्स आपको नजर आ रही हैं। जो आपके काम की फाइल है वो है PSD, PSD होती है फोटोशॉप की फाइल, इसको क्लिक करते हैं। ये आपके सामने फोटोशॉप ओपन हो गया। अब ये जो एक ग्रे ब्लैक सा आपको इंटरफेस नजर आ रहा है, इसे फोटोशॉप कहते हैं। बाकी सब सॉफ्टवेयर्स की तरह इसका इंटरफेस भी बिल्कुल सेम है। टॉप पे मेन्यू बार होती है,
ये जहाँ पे फाइल एडिट इमेज लिखा हुआ आ रहा है, ये मेन्यू बार है। मेन्यू बार के नीचे जो होती है उसको प्रॉपर्टी बार कहते हैं। प्रॉपर्टी बार होती है टूल्स की। टूल वो होते हैं जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे टूल्स हैं। अगर मैं टेक्स्ट के टूल पे क्लिक करूंगी तो प्रॉपर्टी बार में टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, टेक्स्ट का फॉन्ट, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज। अगर मैं ब्रश पे क्लिक करती हूँ ब्रश के टूल पे, तो ये ब्रश के टूल की प्रॉपर्टीज आ गई हैं। और राइट साइड पे पैनल्स होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट पैनल्स होंगे। जो हमारा काम है वो लेयर्स के पैनल से है। लेयर्स का पैनल अगर आपके पास शो नहीं हो रहा तो आपने विंडोज पे क्लिक करके यहाँ से लेयर्स को ऑन कर लेना है, आपके पास जो है पैनल अपीयर हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप ये होता है किसी भी टेम्पलेट को एडिट करने का। मॉकअप के लिए आपने एरो के टूल पे क्लिक करना है, इसको मूव का टूल भी कहते हैं। हमने इस टूल को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मूव टूल की प्रॉपर्टीज में से आपने ऑटो सिलेक्ट को चेक करना है। अभी ऑलरेडी चेक है। इससे क्या होगा कि आप जिस एलिमेंट पे क्लिक करोगे ये डायरेक्ट आपको उसकी लेयर पे ले जाएगा। ऑटो सिलेक्ट को चेक करने के बाद सबसे पहले तो जो ब्लैक बैग है इस पे कोई लोगो प्लेस करते हैं, तो जो ऑलरेडी लोगो है ये ब्रांड लिखा हुआ है इसको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो ब्रांड लिखा हुआ है ये किस लेयर पे पड़ा हुआ है, ताकि हम एग्जैक्ट लेयर को डिलीट करें और अपना डिजाइन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सके। सो हम पहले क्लिक करेंगे ब्रांड पे। अब देखो राइट साइड पे आपके पास पैनल ओपन हो गया, उसमें लेयर्स भी ओपन हो गई हैं। ये लेयर कह रही है कि योर इमेज हेयर। ये जो मॉकअप पैकेज मॉकअप के टेम्पलेट्स है ना, इनकी एक अच्छी बात ये भी है कि ये सारे के सारे वेल ऑर्गेनाइज्ड है। हर लेयर पे लिखा हुआ है कि इस लेयर पे क्या काम होता है। एक लेयर के तीन पार्ट्स होते हैं। राइट साइड पे लेयर का नाम लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है योर इमेज हेयर। नाम के साथ होता है लेयर का आइकॉन। ये जो ग्रे सा एक आपको एरिया नजर आ रहा है, ये चेक वाला एरिया, ये लेयर का आइकॉन है। आइकॉन के साथ होगी लेयर की आई। लेयर की आई लेयर की विजिबिलिटी को कंट्रोल करती है। अगर इसको ऑफ कर दोगे तो वो लेयर जो है गायब हो गई है जिस पे डिजाइन प्लेस हुआ था, ऑन करोगे तो वापस आ जाएगी। हमने इसको एडिट करने के लिए क्या करना है, जिस भी लेयर को आपने एडिट करना है आपने उसके आइकॉन पे डबल क्लिक करना है। नाम पे डबल क्लिक नहीं करना, आई को क्लिक नहीं करना, आपने उसके आइकॉन पे डबल क्लिक करना। ये मैंने इसके आइकॉन पे डबल क्लिक किया तो ये जो डिजाइन की एक लेयर थी वो न्यू टैब में मेरे पास ओपन होगी। अब यहाँ से देखो ये डिजाइन है, इसको या तो आई को ऑफ कर दो, या लेयर को कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करके डिलीट कर दो, या इस लेयर को ड्रैग करके ये बॉटम में डस्टबिन नजर आए, इस डस्टबिन में आप इसको ड्रॉप कर दे, तो ये हर एक तरीके से ये गायब हो जाएगा। अब हमने लेयर को क्लियर कर लिया, अब अपना डिजाइन यहाँ पे प्लेस करते हैं। अब फाइल पे जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन है प्लेस का। अगर आप लोग पुराना फोटोशॉप यूज कर रहे हैं तो प्लेस का एक ही ऑप्शन होगा। जो लोग फोटोशॉप 2019 या 2020 यूज कर रहे हैं, आपके पास प्लेस के दो ऑप्शंस होंगे। एक होगा प्लेस एम्बेडेड, एक होगा प्लेस लिंक। आपने क्लिक करना है प्लेस एम्बेडेड पे, और यहाँ पर आपने जो लोगो प्लेस करना है उस लोगो को सिलेक्ट कर लो। हम यहाँ पे कोई लोगो प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने रिसाइज कर लो कॉर्नर से अपने साइज के अकॉर्डिंग, जहां पे सेट करना है वहां पे सेट कर लो। लेकिन इसका तो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड तो अच्छा नहीं लग रहा, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। बहुत सारे लोगोस जो आप ऑनलाइन डाउनलोड करोगे, या हो सकता है क्लाइंट भी कोई लोगो दे तो उसमें भी बैकग्राउंड हो। तो बैकग्राउंड क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप लेयर पे राइट क्लिक करेंगे। जब आप राइट क्लिक करोगे तो ये एक ऑप्शन आएगा रास्टराइज लेयर का, इसको क्लिक करना है। पहले लेयर को रास्टराइज करेंगे, उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप यहां से मैजिक वॉन्ड का टूल सिलेक्ट करोगे, जो बैकग्राउंड रिमूव करना है उस पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे। ये हमने अपना बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। अब दोबारा से इसको जो है हम देख लेते हैं कि कहाँ पे इसकी प्लेसमेंट ठीक लगेगी। लोगो को प्लेस करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एस। ये सेव की यूनिवर्सल की है, इससे आपका डिजाइन सेव हो जाएगा। अब अपनी मेन फाइल में जाते हैं तो वहां पे ये जो डिजाइन है ये अपडेट हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, अगर हम इसको जूम इन करें
तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे बैक पे एक लाइन है, क्रीज है। ये जो मॉकअप्स होते हैं ये बहुत रियलिस्टिक होते हैं। किस तरह से, कि अगर हम अपने लोगों को थोड़ा सा नीचे यहाँ पे एडजस्ट करके सेव करते हैं तो आप ये देखो कि उसकी प्लेसमेंट चेंज हो चुकी है, लेकिन उसने इतनी परफेक्टली क्रीज को अडॉप्ट किया है कि कहीं से नहीं लग रहा कि लोगो प्लेस किया हुआ है। ये लग रहा है कि प्रिंटेड बैग है, इस पे लोगो प्रिंट किया हुआ है। ये इन टेम्पलेट्स की एक खास बात होती है कि ये ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं। खुद आप मैन्युअली करोगे तो आपको फोटोशॉप में ये इफेक्ट क्रिएट करने के लिए स्किल्स की बहुत ज्यादा एक्सपर्टी चाहिए, उसको मैनिपुलेशन कहते हैं उस स्किल को। तो अगर आपके पास फोटोशॉप एक्सपर्टी नहीं है तो आप किसी टेम्पलेट को इस्तेमाल करके भी इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हो। अब ये है कि फर्ज करें जी हमें बैग का कलर समझ में नहीं आ रहा, बैग का कलर चेंज कर लेते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जिस लेयर को आपने चेंज करना होता है उस लेयर के आइकॉन पे डबल क्लिक करते हैं, चेंज करने के ऑप्शंस आ जाते हैं, ये कलर पैलेट ओपन हो गया है। यहाँ से बैग को ब्राउन सा कलर कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा थीम भी मैच हो जाए। ओके सेव, और ये यहाँ पे आपके बैग का कलर चेंज हो गया। इसी तरह से आप हैंडल का कलर भी चेंज कर सकते हो। हैंडल पे क्लिक करोगे वो उस पे लेयर पे ले जाएगा आपको, लेयर पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि चेंज हैंडल कलर। आप अपनी लेयर के आइकॉन पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने कलर पैलेट आ गया। अब यहाँ से आप कौन सा कलर चेंज करना चाह रहे हो वो कलर क्लिक कर लो। आप देखो हैंडल का कलर भी चेंज हो गया है। ये टेम्पलेट्स में आप हर चीज चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट के कलर्स, प्रोडक्ट के कैप का कलर, लिड का कवर, बैकग्राउंड, हर चीज बैकग्राउंड पे भी चेंज करेंगे। अब जरूरी नहीं कि क्लाइंट आपको जो है कोई लोगो ही दे, वो कोई आर्ट वर्क भी दे सकता है, कोई पिक्चर भी दे सकता है, उसका तरीकाकार भी सेम होगा। अब दूसरे बैग पे हम कोई पिक्चर अप्लाई करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिजाइन की लेयर पे जाएंगे, उस डिजाइन पे क्लिक करेंगे, ये आपको डिजाइन की लेयर पे ले जाएगा, लिखा भी हुआ है उसके ऊपर लेयर पे योर इमेज हेयर। आपने आइकॉन पे डबल क्लिक करना है, यहाँ पे देखो दो आइकॉन आ रहे हैं, एक वाइड है और एक लेयर का आइकॉन है। लेयर के आइकॉन पे डबल क्लिक करेंगे तो वो न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, करंट डिजाइन को डिलीट कर देंगे। अब हम यहाँ पे कोई पिक्चर प्लेस करते हैं प्लेस एम्बेडेड के थ्रू, और इसमें आप ये देखो कौन सी पिक्चर प्लेस करें। इसमें से हम कोई भी, दिस इज नॉट द राइट वन, कोई और पिक्चर प्लेस करते हैं, प्लेस एम्बेडेड। इस पिक्चर को हम प्लेस करते हैं, इसकी आप जो है साइज एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। अब हमने पिक्चर तो प्लेस कर दी लेकिन जो हमारी मेन फाइल है वहां पे डिजाइन अपडेट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं किया। जब तक आप अपनी चेंजेस को सेव नहीं करोगे वो मेन फाइल में अपडेट नहीं होगा। हम इसको सेव करते हैं कंट्रोल प्लस एस और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास अपडेट हो गया है। इस तरीके से आप किसी भी लोगो को, किसी भी आर्टवर्क को, क्लाइंट के डिजाइन को किसी भी प्रोडक्ट पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं, देखो पैकेज मॉकअप पे आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं। आप लोगों ने क्या करना है, जो आपकी पहली असाइनमेंट है वो ये है कि आपने पैकेज मॉकअप की वेबसाइट से तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स डाउनलोड करनी है। कोई एक बैग डाउनलोड कर लो, कोई बॉटल डाउनलोड कर लो, आप कोई बॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोडक्ट को डाउनलोड करने के बाद अगर आपके पास कोई डिजाइन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो गूगल से कॉपी कर लो कोई लोगो, कोई फ्री आर्टवर्क, कोई पिक्चर, और वो आपने उस पर प्लेस करनी है। प्लेस करने के बाद आपने अपनी असाइनमेंट को ग्रुप में पोस्ट करना है, जो आपका ऑफिशियल ग्रुप है वहां पे आपकी असाइनमेंट्स ऑफिशियली असेस होती हैं। इस ग्रुप में पेस्ट करोगे तो मैं आपका काम चेक कर सकूंगी, लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया आबास के ग्रुप में। अगर आप यहाँ पे पोस्ट करते हैं, LW के लोगों के साथ ग्रुप है, दो तीन ग्रुप्स हैं, देख लेना कि आपने लोगों वाला ग्रुप ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे अगर आप प्लेस करेंगे तो मैं आपका काम जो है वो पर्सनली रिव्यू कर लूंगी, अदरवाइज आपको अपने सर्टिफिकेट्स के लिए ऑफिशियल ग्रुप में अपनी असाइनमेंट्स को पोस्ट करना होगा। असाइनमेंट की समझ आ गई है कि तीन तीन आप लोगों ने प्रोडक्ट्स डाउनलोड करनी है और उन प्रोडक्ट्स पे आपने गूगल से कोई भी डिजाइन कॉपी करके प्लेस करना है।
अच्छा जी, अब हमने चेंजेस सारी कर ली, अब इसको हमने सेफ कैसे करना है, क्लाइंट को डिलीवर कैसे करना है, उससे पहले जरा बैकग्राउंड भी चेंज कर लेते हैं। तरीका वही है, जो बैकग्राउंड चेंज करना है उस पर क्लिक करोगे, ये आपको लेयर पे ले जाएगा, डबल क्लिक करोगे उसके आइकन पे, ये देखो ये मैंने आइकन पे नहीं किया इसलिए ये कोई और बॉक्स आ गया, इसको कैंसिल करते हैं, आइकन पे डबल क्लिक करना है, ये कलर्स आ गए हैं। अब यहाँ से आप कोई कलर सिलेक्ट कर लो, ऑरेंज में कोई कलर सिलेक्ट करते हैं ताकि वो थीम के साथ मैच भी कर सके। सेव करेंगे तो ये यहाँ पे आपके पास अपडेट हो जाएगा। ये जो लोअर बैकग्राउंड है इसको भी चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास जो है बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। अब जब आपने इसको डिलीवर करना है तो इस स्किल की डिलीवरी जो है वो इमेज फॉर्मेट में होती है। आप फाइल पे जाएंगे और यहाँ से आपने क्लिक करना है सेव एज। सेव एज पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी इसको सेव करना चाह रहे हो उधर वो फोल्डर सिलेक्ट कर लो। कभी भी जब आपने फ्रीलांसिंग में क्लाइंट को कोई भी काम डिलीवर करना है, चाहे कंटेंट राइटिंग है, डेवलपमेंट है, डिजाइन है, डेटा एंट्री है, कोई भी काम होता है ना, उसका प्रोफेशनल तरीका ये होता है कि फाइल नेम या तो क्लाइंट का नाम होता है या आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है। कभी भी रैंडम नाम से फाइल को सेव नहीं करते। अभी जो नाम आ रहा है ना, पेपर शॉपिंग बैग्स मॉकअप, ये एक रैंडम नाम है, तो रैंडम जेनेरिक नाम सेव नहीं करते। इसको हम लिखते हैं या तो क्लाइंट का नाम होगा या होगा आपका प्रोजेक्ट का नाम, और फॉर्मेट होता है इसके लिए इमेज फॉर्मेट। इमेज फॉर्मेट में दो ऑप्शंस है, या जेपैग होगा या पीएनजी होगा। जो जेपैग होता है वो विद बैकग्राउंड होता है, पीएनजी विदाउट बैकग्राउंड होता है। एक जेपैग में सेव कर लेते हैं और दूसरी फाइल जो है हम पीएनजी में करेंगे। जेपैग की सेटिंग्स ये होंगी, क्वालिटी शुड बी हाईएस्ट विच इज 12, यहाँ पे आप 12 लिखोगे। फॉर्मेट में से जो डिफॉल्ट ऑप्शन है उसी को सिलेक्ट रहने देंगे, ओके पे क्लिक कर दो। अब हम पीएनजी सेव करेंगे। पीएनजी होती है विदाउट बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंट इमेज होता है। यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड ऑफ कर दो, अगेन फाइल पे क्लिक करो, सेव एज, और अब हम सिलेक्ट करेंगे पीएनजी। आप डेस्कटॉप पे आओगे और अपनी फाइल को रीनेम करोगे। सेव पे क्लिक करेंगे। पीएनजी में जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट करनी है वो फास्टेस्ट की होगी। आप कोई भी वर्जन यूज कर रहे हो फोटोशॉप का, वो आपसे पूछेगा, आपने फास्ट पे क्लिक करना है, ओके। अब देखते हैं जिसका क्या रिजल्ट है हमारे पास। ये आपकी जो है, दिस इज योर, ये पीएनजी है विदाउट बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंट है, और ये जो है आपकी जेपैग है विद बैकग्राउंड। ओ सॉरी, या ये आपकी जो है ये जेपैग है विद बैकग्राउंड, ये पीएनजी है विदाउट बैकग्राउंड, क्लियर बैकग्राउंड है इसका, तो ये ट्रांसपेरेंट इमेज है। इस तरीके से आपने क्लाइंट को डिलीवर करना है, और इसी तरीके से आप लोगों ने ग्रुप में अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करना है, पोस्ट करना है। जो आपकी असाइनमेंट्स होंगी मेक श्योर के वो जो है वो विद बैकग्राउंड हो, ताकि खूबसूरत लगते हैं ना मॉकअप्स बैकग्राउंड के साथ। अगर आपको नई आइडिया, तो आपके सीनियर्स का काम भी मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा काम आपको मिल जाएगा। अपनी जो भी आपने स्किल परफॉर्म करनी है, सर्च बार में लिखो प्रोडक्ट मॉकअप, मुझे टैग जरूर करना ताकि मुझे मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए कि आपने काम अपलोड कर दिया है, तो मैं उसको चेक कर लूँगी। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि किस तरह से आप आइडिया ले सकते हैं कि आपने किस तरह से काम करना है। डिफरेंट बड़े खूबसूरत से आपने प्रोडक्ट मॉकअप्स बनाने हैं। क्लियर है? इनकी जरा चैट ओपन कर दें ताकि मैं इनके क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं। अच्छा, बिफोर योर क्वेश्चन मुझे बताओ कि स्किल कैसा लगा, इंटरेस्टिंग है, समझ में आया? क्या लगता है कि इसमें आप जो है अगर परफॉर्म करोगे तो कैसे कर सकते हो? ओके, दैट्स गुड, आई एम ग्लैड कि आप लोगों को इतना इंटरेस्टिंग स्किल लगा। आई एम श्योर जितना आपको इंटरेस्टिंग लगा है इतना अच्छा जो है आप काम भी करेंगे। वेल डन।
ये आप मैनेजमेंट आपको इंस्ट्रक्ट कर देगी, आप जिस इंस्टीट्यूट में इनरोल हुए हैं उनकी भी सारी बातों की पॉलिसीज होती है ना, कि आपको सर्टिफिकेट देना है तो उसके लिए कोई कोरम फॉलो करना होता है, वो आपको बता देंगे कि असाइनमेंट्स को कहाँ कहाँ अपलोड करना है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं आपका काम चेक करूँ, मुझे पता हो आपने क्या काम किया है, तो फिर आप जो है वो फेसबुक वाला जो मेरा ग्रुप है उसमें अपलोड करेंगे। जफार एहसान, आपने कभी कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जो आपको नहीं पता है कि हाउ शुड वी बी द पार्ट ऑफ FB ग्रुप? ग्रुप को ज्वाइन करो तो आप पार्ट हो जाएंगे उसका, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेयर्स का मैं रिपीट कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम। सदफ, अगर आपको शुरू से समझ नहीं आई तो फिर आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, बिकॉज अगर मैं शुरू से स्टार्ट करूंगी तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। शफीक, ग्रुप का नाम है लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास। मेरा नाम तो आप सबको पता है ना, कितने स्टूडेंट्स को मेरा नाम नहीं पता, कितने स्टूडेंट्स को नहीं पता कि आपके मेंटोर कौन है इस सेशन के लिए, बस हारिस को पता है और और वफा को पता है, बाकी लोगों को नहीं पता कि क्या नाम है मेरा। तो इसमें क्या मुश्किल है, आप जाके गूगल पे, सॉरी गूगल पे नहीं, आप फेसबुक पे मेरा नाम लिखें, आपके पास पेज का लिंक भी आ जाएगा, आपके पास ग्रुप का लिंक भी आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। इतनी सिंपल सी बात है। बाकी आई एम श्योर कि आप लोगों ने ऑलरेडी अपना जो ऑफिशियल ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, बिकॉज आप लोगों के जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके लिए सारी असेसमेंट उसी ग्रुप में होगी। सर्टिफिकेट्स भी तो चाहिए ना आप लोगों को। ओके, असाइनमेंट देखो नेक्स्ट लेक्चर से पहले करवा दो। मरियम, 30 मिनट लगे हैं मुझे आपको स्किल सिखाने में, और ट्रस्ट में जब आप लोग ये काम खुद करोगे ना, चाहे आप पहली दफा फोटोशॉप यूज कर रहे हो, आपको मैक्सिमम 20-25 मिनट लगेंगे, क्योंकि काम ही बहुत आसान है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज तो है नहीं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। मैं रोज कह रही हूँ पैसे कैसे विड्रॉ करने हैं, मैं रोज फाइवर से पूछ रहा हूँ कि अपवर्क से कह रही हो। थैंक यू सो मच इकरा। ओके, मरियम को भी इंटरेस्टिंग लगा, वेल डन। सॉफ्टवेयर तो ऑसम, फोटोशॉप तो गुरु है। फोटोशॉप आप थोड़ा सा उस पर अपनी एक्सपर्टी कर ले और डिजाइन की आपको सेंस आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको जिंदगी में कभी कोई और काम करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अब मुझे आप लोगों की असाइनमेंट्स का बहुत शिद्दत से इंतजार रहेगा, क्योंकि आपसे आने वाले जो जितने भी पहले 15 बैजेस थे, सब लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, स्टिल कर रहे हैं, अब तो वो कमर्शियल काम कर रहे हैं, अब तो अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। जो उन्होंने असाइनमेंट्स मुझे करके दिखाई हैं, बहुत ज़बरदस्त काम है। आप लोगों ने भी इसी तरह काम करना। कुमेल, गिग होता है फाइवर पे आपकी स्किल जो आपने सेल करनी होती है, उसको गिग कहते हैं। अगर आप लोगों को फ्रीलांसिंग का आइडिया नहीं है, अगर आपकी अभी तक बेस नहीं बनी, तो पेज पे सबसे पहली वीडियो जाके देख लो, उसमें मैंने फ्रीलांसिंग की रोड मैप और हर चीज़ें बहुत डिटेल से डिस्कस की हैं। लाइव सेशन था मेरे स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग भी अब मेरे स्टूडेंट्स हो, तो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक तो आपकी ट्रेनिंग होती है, इसके अलावा भी जो जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, जो नॉलेज आपके लिए फ्रीलांसिंग में ज़रूरी है, वो मैं लाइव सेशंस कंडक्ट करती हूँ, ताकि आप लोग मैक्सिमम नॉलेज के थ्रू जल्दी ग्रो कर सको। पता चले कि ये लर्निंग विद अर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, पता चले कि लोगों ने कोई ट्रेनिंग ज्वाइन की है तो इनका ये रिजल्ट है, ये यूट्यूब के लर्नर्स नहीं है, कोई डिफरेंस होना चाहिए ना। पेज पे अपलोड नहीं करनी आपने, जो है इसको अपलोड करना है ग्रुप में। जब परफॉर्म करेंगे तो आपके लिए स्किल उससे भी ज्यादा इजी होगा। थैंक यू सो मच सहर नईम, आई एम नॉट श्योर मैंने आपका नाम ठीक से प्रोनाउंस किया या नहीं। क्लाइंट को जो लैंग्वेज समझ आती है, जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश ही हो, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, सब लोग इसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। इंग्लिश किसकी लैंग्वेज है, ब्रिटिश की या चंद एक अमेरिकन की? यूरोपियंस की जो इंग्लिश है हमसे भी गई गुजरी होती है। हम लोग सारी जिंदगी ये सोचते हैं कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आएगी तो हम फ्रीलांसिंग नहीं कर सकेंगे, हालांकि ऐसा है ही कुछ नहीं। इंग्लिश तो सिर्फ एक मीडियम है, एक लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन नहीं है वो, कम्युनिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग। तो आपने कभी भी ये चीज नहीं सोचनी, जब आप लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिस करोगे ना अपनी फ्रीलांसिंग की, प्रैक्टिकली काम करोगे, तो आपको हंसी आएगी क्लाइंट की इंग्लिश सुन के, क्योंकि तो हम जैसे भी नहीं बोले तो हमसे भी गया गुजरा है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जी। आपका क्या आखिरी क्वेश्चन है कुमैल, बताइएगा मुझे। अब असाइनमेंट्स आप लोगों ने ऑन टाइम जो है ना अपनी सबमिट करनी है, ऑन टाइम डिलीवर करनी है।